आपको बताते चलें कि अहम खबर है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। अहम डेवलपमेंट, जुडिशल कमीशन का इजलास जारी था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत, जिसमें यह फैसला किया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर होंगे। आपको बताते चलें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी था, जिसमें ये फैसला किया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि आज एक अहम दिन था जिस पर आईनी बेंचेस के हवाले से फैसले किए जाने थे। जुडिशल कमीशन का भी इजलास जारी था जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत, और अब इस कमीशन के इजलास में ये फैसला किया गया है कि आईनी बेंचेस के 7 जजेस के नाम भी मंजूर होंगे, और इसके साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह भी होंगे। 7 जजेस के नामों को फाइनलाइज कर लिया गया है आईनी बेंचेस के लिए, और आपको बताते चलें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हैं। आपको बताते चलें कि आईनी बेंचेस के हवाले से अहम फैसला कर लिया गया है। आईनी बेंचेस की सदारत जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे, और इस बेंच के अंदर 7 जजेस मुकर्रर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत आज ये अहम फैसला किया जाना था, और आपको बताते चलें कि ये फैसला हो चुका है कि आईनी बेंचेस की सदारत कौन करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम सामने आया है, और आईनी बेंचेस की सदारत जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ज़िम्मे आई है। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंचेस के लिए भी नामजद कर दी गई हैं। ये एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। आईनी बेंचेस के 7 जजेस के नाम भी मंजूर कर लिए गए हैं, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक का नाम भी सामने आया है। आपको बताते चलें कि जस्टिस मोहम्मद अली अजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल होंगे। इसके साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। आईनी बेंच के 7 जजेस के नाम भी मंजूर हो चुके हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी था, जिसमें अहम फैसले किए जाने थे आईनी बेंचेस के हवाले से, और अब ये फैसले सामने आ चुके हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं, और आईनी बेंचेस के 7 जजेस के नाम भी मंजूर कर लिए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए नामजद हो चुकी हैं, इनके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। आईनी बेंच के 7 जजेस के नाम मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए नामजद कर ली गई हैं। इमरान वसीम हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा बिल आखिर ये फैसला हो चुका आईनी बेंचेस के लिए, और कौन कौन से जजेस का नाम सामने आया है? जी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो आईनी बेंच के जो है वो सरबरा नामजद हुए हैं। आज उनका नाम जो है वो 7-5 के तनासब से जो है जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है वो मंजूर किया गया है। 5 अरकान जिन्होंने इसकी मुखालफत की कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो रुकन आईनी बेंच के सरबराह नहीं होने चाहिए, उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली हैं उमर अयूब और शिबली फराज शामिल हैं। इसके अलावा जो बाकी 6 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा पंजाब से, उनको नामजद किया गया है आईनी बेंच के लिए। सिंध से 2 जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलोचिस्तान से 2 जजेस हैं, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किया गया है। इसी तरीके से 2 नाम लिए जाने थे खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन जज एक ही थी मुसर्रत हिलाली साहबा, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली 7वीं जज हैं जिन्हें जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के लिए जो है वो नॉमिनेट किया है। तो 7 जजेस के नाम जो है वो मंजूर किए गए हैं, और ये आज के इजलास की मुकम्मल कहानी है कि अमीनुद्दीन खान जो है वो आईनी बेंच के सरबराह, और 6 मजीद जजेस जो हैं वो आईनी बेंच के लिए जो है वो उनकी मंजूरी दी गई है। ठीक है, इमरान वसीम हमें तफसीलात बारे आगाह कर रहे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए नामजद हो चुकी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी इस बेंच में शामिल होंगे। इनके साथ साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी इस आईनी बेंच में शामिल होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की
ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी था जिसमें आइनी बेंचेस के हवाले से अहम फैसले किए जाने थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच के सरबरा मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक आइनी बेंच के लिए नामजद हो चुके हैं। इमरान हमारे साथ ही मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा इस अजलास के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान भी इसमें मौजूद थे और दीगर जमातों के भी, माहौल कैसा रहा, ओवरऑल किस तरह से आपने देखा कि जो नाम थे उनको चूज़ किया गया? जी, ज़राए के मुताबिक जो माहौल था जुडिशल कमीशन का वो बड़ा अच्छा रहा, बड़े अच्छे माहौल में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। लेकिन ज़राए ने ये भी बताया है कि जितने भी ये नाम आइनी बेंच के लिए मंजूर किए गए हैं, तमाम के तमाम जो नाम हैं वो 7:5 के रेशो से जो है वो मंजूर किए हैं। आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में 5 जो अरकान जो मुखालफत में थे उसमें 2 PTI के अरकान असम्बली और 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस और मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल थे, जिन्होंने इन नामों की जो है मुखालफत की है। 7 वोट जो है इनके हक में पड़े हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के लिए जजेस जो है वो आज नॉमिनेट हो गए हैं। बल्कि ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में इस बात पे भी डिस्कस हुई कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम के तमाम जजेस हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो है वो नॉमिनेट किया जाए। लेकिन ये सिर्फ बहस की हद तक था, डिस्कशन की हद तक था, सिर्फ 7 नाम जो है। बहुत शुक्रिया। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तफसीलात बारे आगाह कर रहे थे।